अच्छा लगेगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ दी, ये अभी क्या बोल के गए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे बताइए। जिमिन, बात करने के लिए ये जगह सही नहीं है, घर जाकर बात करेंगे। ओके ओके दी, लेकिन मैं आपसे इसका जवाब लेकर आऊंगी। एक्सक्यूज मी जिमिन, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्या आप साइड में आ सकती हैं? ओके दी, मैं अभी आती हूँ। ओके जिमिन, तुम जाकर बात करो, मैं अब ठीक हूँ। उसके बाद योनमिन साइड में जाते हैं। व्हाट हैपेंड सर, आपको मुझसे क्या बात करनी है? अब वो एक्चुअली मैं ना तुम्हें कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ आज शाम को, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या बाहर? लेकिन आप मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं आपको कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं आपको डिनर पे ले जाना चाहता हूँ, और मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है इसीलिए। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? तो सर, बात करने के लिए डिनर पे जाना इम्पोर्टेंट है क्या? हम ऑफिस में भी तो बात कर सकते हैं ना? नहीं, ये बात हम ऑफिस में नहीं कर सकते। अगर हम ऑफिस में कर सकते ना, तो मैं आपको डिनर के लिए ले जाने के लिए नहीं बोलता। सो प्लीज, आप क्या मेरे साथ चलेंगी? ओके फाइन सर, मैं चलूंगी। ठीक है, तो मैं आपको शाम को पिक करने के लिए आ जाऊंगा। ओके ओके सर, मैं आपका वेट करूंगी। उसके बाद कुछ देर तक ये दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और शादी खत्म हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दी, अब आप मेरे क्वेश्चन से बच नहीं सकती। आपने कहा था ना कि घर पर जाकर बात करेंगे, तो बोलिए ये सब क्या हो रहा था वहाँ पर, वो आपके साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? और आप जो भी पहने वो आपकी मर्जी होगी, उसमें वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो दी, मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ बड़ी बात छिपा रही हैं? प्लीज दी, मुझे बताइए। ओके फाइन जिमिन, मैं तुझे आज सब कुछ बताऊंगी जो आज तक मैंने तुझसे छिपाया है। जब मैंने उसे घुमाने के लिए बोला था तब तो वो मेरे साथ नहीं गया।
आया था और यहाँ पर तेरे साथ मजे कर रहा है। तेरे तुमने बहुत बड़ी गलती की है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके। जंकुक, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। इस तेरे को मैं तुम्हारी लाइफ से इतनी दूर फेंकूंगी ना कि ये वापस आ भी नहीं पाएगी। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा लेकिन तुमने तो ऑलरेडी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं क्या करूं? क्या इसका मतलब तुम नितेश से प्यार करते हो? हाँ, उससे प्यार करता हूँ। जब से वो इस कॉलेज में आई थी तब से मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा लेकिन यहाँ पर जंकुक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं जंकुक को छोड़ूंगा नहीं। जंकुक के बारे में कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है, तुम उससे हाथ भी नहीं लगाओगे। अच्छा, वो भला क्यों? उसने मेरे तेज को प्रपोज किया, मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा? जब तक वो रहेगा ते मेरी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं उसे मार दूंगा ताकि ते मेरी हो जाए। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और तो और तुम्हारे साथ साथ ते को भी खत्म कर दूंगी। तुम दोनों ही रहोगे, उसके बाद जंकुक तो मेरा ही होगा। ये क्या बोल रही हो? इसका मतलब कि तुम जंकुक से प्यार करती हो? हाँ, प्यार करती हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन इस ते की वजह से जंकुक मेरा नहीं हो रहा है। जब ते ही नहीं रहेगी तब तो जंकुक मेरा हो ही जाएगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो, मेरे पास एक प्लान है। एक काम करते हैं, जंकुक तुम्हें चाहिए और ते मुझे, तो हम दोनों ही मिलकर इन दोनों को अलग करते हैं। क्या? हाँ, तुमने सही कहा, ये अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक आइडिया है। जंकुक की कमजोरी है उसकी मॉम। अब देखना कि मैं क्या करती हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ओके डैन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे तुम्हारी ते चाहिए। डोंट वरी, इस प्लान की वजह से तुम्हें तुम्हारी ते भी मिलेगी और मुझे मेरा जंकुक भी मिल जाएगा। ये सब सच है? हाँ आंटी, जो मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ सच है। लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो जंकुक को धोखा दे रही है। वो इसलिए जंकुक के साथ है ताकि कि वो उससे पैसे ले सके। और जंकुक बेचारा उसके प्यार में पागल है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो उसे धोखा दे रही है। आंटी, वो लड़की बहुत गंदी है, उससे दूरी रखिए जंकुक को, क्योंकि आंटी वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैंने उसके बॉयफ्रेंड को भी देखा है। वो बस जंकुक को यूज कर रही है पैसों के लिए। आंटी, जंकुक के लिए ये बहुत बुरा है, वो उसके सक्सेस में भी रुकावट बन सकती है। आंटी, आपको ही कुछ करना होगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, अब जो करना होगा वो मैं करूँगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। जंकुक, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ मॉम, आपको क्या बात करनी है? एक्चुअली बेटा, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे डैड का सपना था कि तुम US जाकर अपना करियर स्टार्ट करो। तो मैंने तुम्हारी टिकट निकलवा दी है, परसों की टिकट है, तो तुम US जाकर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी एज भी हो गई है और तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली है। तुम्हारी बस थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है, वो जाकर तुम US में कंप्लीट कर लेना। क्या? US? और वो भी ते को छोड़कर? मॉम, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपना करियर यही स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं US नहीं जाना चाहता। क्यों? अब तुम्हारे डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लड़की हो गई, तुम उसी के लिए नहीं जाना चाहते हो ना? मुझे सब कुछ पता है, वो बस तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। एक बार तुम्हारे पास पैसा खत्म हुआ ना तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी। ऐसा नहीं है मॉम, ते मुझसे प्यार करती है ना कि मेरे पैसों से, एंड मैं उसे छोड़कर नहीं जाने वाला। ओह, तो अब वो तुम्हारे करियर में भी रुकावट बनेगी, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि वो किससे प्यार करती है। आंटी, आप मेरे घर आइए ना अंदर, जंकुक ने आपके बारे में मुझे बताया था, आप बहुत अच्छी हैं। ओ प्लीज, मेरे सामने अच्छी बनने की यकीन मत करो। मुझे पता है कि तुम कैसे लड़की हो, तुम्हें बस पैसे चाहिए। बोलो, कितना लोगी मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए? ये आप क्या बोले जा रही हैं आंटी, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, मैं उसके पैसों के लिए उसके साथ नहीं हूँ। जस्ट शट अप, मेरे सामने ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसे कामयाब होने के लिए एक गोल्डन चांस मिला है, उसे अपने डैड का सपना पूरा करना था US जाकर, लेकिन वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा है। तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो और उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम उसके करियर में रुकावट बन रही हो तो प्लीज उसका पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या बोली आंटी, मैं भला जंकुक की जिंदगी बर्बाद क्यों करूँगी, मैं उसे प्यार करती हूँ। ओ अच्छा, तो तुम उससे प्यार करती हो, तो प्यार में सैक्रिफाइस भी तो करना पड़ता है ना, तो प्लीज मेरे बेटे को सैक्रिफाइस करो और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो, क्योंकि जब तक तुम उसकी लाइफ में रहोगे ना वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो प्लीज बेटा, उसका पीछा छोड़ दो। तुम अगर कहोगी ना तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकती हूँ, लेकिन प्लीज बेटा उसका पीछा छोड़ दो। प्लीज आंटी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जंकुक की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी, मैं उसे भूल जाऊंगी। आंटी, तुम्हारे लिए बेटर होगा तो जल्द से जल्द मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, परसों उसकी फ्लाइट है US, मैं नहीं चाहती कि वो इस फ्लाइट को मिस करे, तो प्लीज कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें भूल कर US चला जाए अपना करियर स्टार्ट करने के लिए।
डोंट वरी आंटी, मेरी वजह से जंगो की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। गुड, तो तुम जितनी जल्दी कर सकती हो ना उतनी जल्दी ये सब खत्म करो।